क्राइम ब्रांच की टीम ने शहर में गांजा सप्लाई करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जूनी इंदौर क्षेत्र से आरोपी सोहराब को गिरफ्तार कर 2 किलो गांजा बरामद किया है। वहीं रिंग रोड से रूप सिंह को पकड़ा है, जिसके पास से भी 2 किलो गांजा जब्त किया गया है। दोनों के पास से पुलिस ने करीब 1 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया है। आरोपियों पर केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि जूनी इंदौर क्षेत्र में सोहराब नामक एक व्यक्ति सफेद रंग की थैली में गांजा लेकर जा रहा था। यह लोहामंडी क्षेत्र में देवश्री के पास किसी अज्ञात व्यक्ति को गांजे की सप्लाई करने वाला है। सूचना पर टीम जूनी इंदौर पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया।